अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने बस अपने दिमाग में एक बात बिठा ली और आप उसको दिमाग से निकालना ही नहीं चाहते। तुम लोगों ने भी अपने मन में धुमन को बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया अगर देवेंद्र चाचा जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे, शायद हमसे बात करना ही छोड़ दे। पता नहीं कहीं बच्चों ने कुछ बता ना दिया हो। दीदी, चुटकी, देवेंद्र चाचा जी कहाँ हैं? हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? घर में होंगे ना तब पूछेंगे ना, घर में चाचा जी नहीं है। सुमन दीदी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो बच्चे का घर दूर था। किस बच्चे का घर? चाचा जी, वो स्कूल की छुट्टी हो गई थी ना, तब एक बच्चा था, उसको लेने कोई भी नहीं आया था, तो सुमन दीदी ने उसे घर पहुंचा दिया। अच्छा, वो छोड़ो ना, तुम दोनों को भूख नहीं लगी है क्या? हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे, चलो खाना खाते। तो ठीक है भाई, तुम लोग खाने वाने का इंतजाम कर लो। चलो। कार्तिक, खाना खाने के लिए आ रहा। हो सकता है भाभी आपकी बात का बुरा लग गया हो उसे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपने कार्तिक को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्तिक के सामने आपने सुमन की जो बुराई की। नंदिनी कार्तिक को खाना खिला देगी। कार्तिक खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बहू, मैंने कहा ना, नंदिनी कार्तिक को खाना खिला देगी। माँ, प्लीज आप खाना खा लीजिए। माँ, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं। खाना खा लीजिए, हमारा दिल मत दुखाइए। सुमन, तुम अब तक जाग रही हो? घर के काम करने कुछ कम कर दो सुमन, तुम्हें पाठशाला में भी दिमागी तौर पर काम करना पड़ता है। नहीं, बूते से बाहर जाकर काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हम आराम से सारा काम कर लेते हैं। सुमन, मुझे तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते देखकर अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, तुम मेहमान हो इस घर की, ख्याल हमें तुम्हारा रखना चाहिए और उल्टे तुम हमारा ख्याल रखती हो। हम खुद को इस घर का मेहमान नहीं बल्कि इस घर का सदस्य समझते हैं। ये तो अच्छी बात है, चलो जाओ, अब सो जाओ। नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। हाँ, ठीक है। क्या बात है, खाना नहीं खाना है क्या? चलिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूं। आप माँ की बात को लेकर नाराज है ना? उससे मैं क्या नाराज होऊंगा, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या गलत कर रही है।
बस उन्हें देखकर दुख होता है मुझे, क्योंकि वो लाख कोशिश कर ले लेकिन वो सुमन जी से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इतना गहरा रिश्ता है उन दोनों के बीच कि वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। पता नहीं सब कब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा, आप बस निराश मत होइए, हम आपके साथ हैं, हम माँ को खुद समझाएंगे। थैंक्स। वैसे हमें थैंक्स नहीं चाहिए, अगर आप सच में हमारा थैंक्स करना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ और खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। हमने नीचे सबसे वादा किया है कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप नहीं चलना चाहे तो ठीक है, एक जगह दो लोगों का खाना बच जाएगा। हम चलते हैं। ओके। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप भी भूखी रहें। किसी को मजबूर करने का ये रास्ता अच्छा नहीं है। तरीका भले ही गलत हो पर उद्देश्य तो सही है ना। चलिए। प्रभु आ गया बेटा। माँ तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो जाओ, सुमन मुझे खाना परोस रही है। प्रभु तेरे कमरे में आने का मन नहीं करता? जब से देवेंद्र और सुमन यहाँ रहने के लिए आए हैं तो बदल गया है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मुझे लगा कि तुम मुझे खाना खिलाने के लिए जाग रही हो, इसीलिए मैंने कहा कि सो जाओ। अच्छा, इतनी फिक्र है माँ की, इसीलिए आजकल मुझसे बात भी नहीं करता। माँ तूने दवाई खाई या नहीं खाई, माँ तूने खाना खाया कि नहीं, माँ तेरी तबीयत कैसी है, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया मतलब? माँ मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि सुमन तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है, तुम्हें समय पर दवा देती है, तुम्हें समय पर खाना खिलाती है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारी ओर से निश्चिंत हुआ हूँ बस। और तू निश्चिंत हो गया है इसीलिए मुझे तेरी चिंता हो गई है। क्यों माँ? क्यों क्या, मैं क्या जानती नहीं, तुझे मुझसे ज्यादा सुमन की चिंता है। अपनों को छोड़कर परायों का ख्याल रखता है, ये लक्षण अच्छे नहीं है। मत भूल कि मैं तेरी माँ हूं और वो सुमन कोई नहीं है तेरी, फिर भी उसके सुख दुख की चिंता तुझे क्यों रहती है? 24 घंटे उसे कैसे सुख मिले इसी की चिंता लगी रहती है। क्यों प्रभु,